इनके दो हाथ अलग हैं, इनके दो हाथ अलग हैं, इनके भी दो पैर अलग हैं और इनके भी दो पैर जो हैं अलग हैं, लेकिन जब सिर की बात करेंगे तो यहाँ पे दिखाइए दोनों लोगों का जो सिर है केवल एक ही और एक ही साथ जुड़ा हुआ है। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि इन दोनों में से एक आदमी के पास किडनी है और दूसरे के पास किडनी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा फर्रा। फर्रा, आपका नाम क्या है? सबा। सबा नाम है, इसबा है और आप फर्रा हैं। आप दोनों आदमी एक दूसरे से अलग होना चाहती हैं? नहीं, ऐसे ही रहना चाहती हैं? ऐसे ही ठीक है। हाँ। मतलब आप चाहती है कि दोनों बहन का जो शरीर सिर एक है एक ही साथ रहे, इसको डॉक्टर हटाए नहीं अलग। आपको भूख लगती है तो आपको भी भूख लगती होगी? नहीं जी। भूख लगती है आपको भी? दोनों को साथ में भूख लगता है? होती है। अच्छा, आपको बुखार लगता है तो उनको बुखार लगता है कि नहीं लगता? पहले आप खूब गौर से इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से इनके दो शरीर है। यहाँ पे देखिए इनके दो पैर अलग है, इनके दो पैर अलग है, दोनों का शरीर अलग है, लेकिन सिर की जब बात करेंगे तो दोनों का जो सर है वो केवल एक ही है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो है कि इनमें से इनका नाम सबा और इनका नाम फरा है। फरा के पास तो किडनी है लेकिन सबा के पास किडनी नहीं है। बिना किडनी के भी सबा इनके किडनी के मार्फत से कई सालों से जीवित है। अब हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार एक शरीर और दो शरीर और एक सिर कैसे हुआ और ये इनको क्या क्या दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? मेरा फरा। फरा, आपका नाम क्या है? सबा। सबा नाम है, इसबा है और आप फरा हैं। अच्छा, आप लोग बचपन से ही ऐसे ही हैं? जी, बचपन से लोग ऐसे। हम लोग हाथ पैर गठिया की बढ़ गई है, दर्द होगी। दो साल से डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। दो साल से डॉक्टर साहब आपको देखने नहीं आए हैं? नहीं। अच्छा, तो आप लोगों को दिक्कत तो बहुत होती है? बहुत दिक्कत हो, छोटा मोटा डॉक्टर से दिखाई दे तो बोलते बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाइए, तब हम लोग छोटे डॉक्टरों का इसमें कोई काम नहीं है। नहीं, बड़े डॉक्टर से दिखाया जाता है। हम लोग मिलना चाहते हैं मुकेश अंबानी से, मैसेज करना चाहते हैं। अब मैं बुला ले आप ले से। आप मुकेश अंबानी से मिलना चाहती हैं? अच्छा, मुकेश अंबानी से क्यों मिलना चाहती हैं आप लोग? अपने दिल की बात बताते हैं। देखिए, मैं हम लोग गेठिया बढ़ गई है, देखिए हड्डी फेंक दी से, सब हाथ तेरे हो गए, हाथ से थोड़ा था कमजोरी से। हम लोग अपने दिल की बात बोलना चाहिए, आप बुलाए घर पे हम लोग से मिले। अच्छा, आप चाहती हैं कि मुकेश अंबानी आपसे मिले और आप लोग अपनी दिल की बात और समस्या मुकेश अंबानी जी को बताएं? जी। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग जो है सलमान खान से भी मिली थी? सलमान खान से मिले थे। हम लोग रक्षाबंधन में कुछ बोला नहीं, कल 50,000 रक्षाबंधन में अपने तरफ से तोहफा दी, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? नहीं। अच्छा, आप दोनों आदमी का जो है शरीर अलग है लेकिन सिर एक ही है, आप दोनों आदमी एक दूसरे से अलग होना चाहती है? नहीं, ऐसे ही रहना चाहती है। ऐसे ही ठीक है? हाँ। मतलब आप चाहती है कि दोनों बहन का जो शरीर सिर एक है एक ही साथ रहे, जी। इसको डॉक्टर हटाए नहीं अलग? नहीं। अच्छा, भूख लगती है आपको? नहीं, भूख नहीं लगती है। नहीं। हम लोग सोचे हम लोग सेहत हो जाए, हम लोग ठीक ठाक खाए, हम लोग का इलाज हो गए, हम लोग खाई से मुकेश अंबानी से मिले। मुकेश अंबानी से मिले। अच्छा, आपको भूख लगती है तो आपको भी भूख लगती होगी? नहीं जी। भूख लगती है आपको भी? दोनों को साथ में भूख लगता है? अच्छा, आपको बुखार लगता है तो उनको बुखार लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। नहीं, कभी इसको लगता है कभी इसको नहीं लगता। वो सब हम लोग को दोनों से हाथ पर बहुत मजबूत दर्द है, गठिया बढ़ गई, छोटे साल से कोरोना से डॉक्टर सबको नहीं आया, कुछ देखे नहीं, डॉक्टर देखा ही नहीं, नहीं। डॉक्टर साहब से शिकायत है इस बात का? छोटा मोटा डॉक्टर के भाग गए थे तो इसको बीमारी भी गई, अच्छा डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर से दिखाइए। बड़ा डॉक्टर से दिखाइए। देखिए, ये सबा है और ये फरा है, ये दोनों सगी बहन और जुड़वा बहन है और दोनों आदमी का शरीर तो अलग है लेकिन सिर जो है एक ही है। बाकी आप यहाँ से पूरी तस्वीर को आप देख सकते हैं। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि किससे मिलना है? मुकेश अंबानी से। मुकेश अंबानी जी से? जी। मुकेश अंबानी जी से मिलके क्या कहेंगे आप? उन्हीं को बताना चाहते हैं। उन्हीं को बताना चाहते हैं जी। और हम चाहेंगे कि देखिए ये अद्भुत जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि मुकेश अंबानी जी के पास पहुंचे जरूर और वो आपसे मिल ले। ये ख्वाहिश है आप लोगों का कि मुकेश अंबानी जी मिले आप लोगों से। अच्छा, सलमान भाई कुछ विशेष मदद किए कि नहीं किए आप लोगों का? नहीं, मदद नहीं किए। अच्छा, आप लोग पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं? नहीं, नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ती हैं? मार्केट वर्केट जाते हैं लोग? नहीं, घर पे खा लेते हैं, केवल घर पे रहते हैं, बाहर जाने का मन नहीं करता? मन करता है, सब बात मन करता है लेकिन जा नहीं पाते हैं। नहीं। अच्छा, चलते फिर कैसे हैं? चलते साथ में ही आप दोनों आदमी? अब चल नहीं है, बैठे रहते हैं, थोड़ा दिक्कत होता है चलने में जी। अच्छा, आप दोनों आदमी का शरीर दो है और सिर एक ही है जी। ऐसा तो आपने किसी को नहीं देखा होगा नहीं। लेकिन आप लोग खुद हैं, चलते कैसे हैं? दोनों साथ में ही जी। दोनों साथ में जी। अच्छा, एक का अगर माथा दर्द करता हो तो दोनों का करता है कि एक ही का करता? नहीं करता, नहीं करता है नहीं।
बस जो समस्या है आपके पैरों में ही है। देखिए इन लोगों के लिए जो है डॉक्टर के टीम को भी गठित किया गया था कि डॉक्टर जो है इन लोगों को हर एक 3 महीने पे, जैसा कि इनके भाई साहब बता रहे थे कि हर एक 3 महीने पे डॉक्टर की टीम आए, सबा और फराका जांच करे। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है डॉक्टर अब तक जांच करने आए नहीं। बाकी भाई साहब इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद हमजा। अच्छा हमजा भाई, ये परेशानी तो इन लोगों की बहुत सारी दिख रही है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे ज्यादा परेशानी कब से हुई इन लोगों को? देखिए इन लोगों की परेशानी तो अभी ज्यादा फिलहाल 7 महीना 8 महीना से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन लोगों की थायराइड भी बढ़ गई है, आर्थराइटिस वाला प्रॉब्लम हो गया, जो कि गठिया बहुत ज़्यादा हो गया है, पैर की उंगलियां मुड़ गई हैं, हड्डियां कहीं कहीं से जहाँ से जॉइंट है वहाँ से मुड़ गया है। तो अभी तो सबसे इमीडिएट इनका काम है कि इनको लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट हो जाए अलाउ, और दूसरा है कि इनके जो अभी क्या कहते हैं भूख नहीं लग रही है और बदन में पूरे में काफ़ी पेन है, दर्द है लोगों को। जी अच्छा, डॉक्टर के बारे में क्या बता रहे थे आपकी? डॉक्टर को ये कहना था कि मतलब माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि मतलब आप लोग हर 3 महीने पे तो आपकी टीम जाएगी ही जाएगी, हर महीने भी आपको रिपोर्ट करना है, लेकिन 3 महीने पर 3 महीने का रिपोर्ट सबमिट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उनके वॉचिंग में इनके रहना है, डॉक्टर की निगरानी में रहना है और हर 3 महीने पर आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, जो कि हमको लगता है कि उनकी टीम आए काफी टाइम हो गया, कुछ साल हो गए। जी मतलब कुछ साल से डॉक्टर इन दोनों को देखने आए ही नहीं। नहीं, इधर जांच जो होना था ना, जांच जो होना था वो नहीं हो पाया है। अच्छा, जो कि कुछ साल हो गए हैं। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इनका मतलब क्या कहते हैं वो लीवर कैसा है कि वो, क्योंकि एक बहन को किडनी है, एक बहन को किडनी नहीं है। अच्छा, एक को किडनी भी नहीं है? जी मतलब किसको किडनी और किसको नहीं है? फराह को किडनी है, सबा को कोई किडनी नहीं है। इनको किडनी है ही नहीं? जी, तो ये तो सब प्रॉपर वे में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रखा था कि उनको मतलब डॉक्टर लोग अपने जांच में रखेंगे फुल लाइफ, लेकिन अभी डॉक्टर लोग की जो समस्या यही हो गई है कि वो लोग अभी जांच पड़ताल जो भी होना था, फिजियोथेरेपिस्ट होनी थी, जो तरह का इनको क्रिटिकल जो भी प्रॉब्लम होगा उसका आपको सॉर्ट आउट करना है, इलाज करना है। अच्छा, ये बात हमजा भाई कैसे पता चला कि सबा फराह के पास किडनी है लेकिन सबा के पास किडनी नहीं है? वो गए थे हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में 2006 में शायद, तो वहीं पे 2006 ही में शायद ऐसे ही, तो वहीं पे जब जांच हुई, MRI हुई या एंजियोग्राफी हुआ, तो वहाँ पर ही मालूम चला कि एक किडनी है, एक को किडनी नहीं है, एक के किडनी से ही दोनों का काम हो रहा है, मैं एक ही को किडनी है और दोनों का काम उसी किडनी से चलता है। जी, जी, अच्छा, आप देखते हैं कि जिसके पास किडनी नहीं हो, किडनी फेल हो जाए तो आदमी जो है दुनिया को छोड़ के चला जाता है। ऊपर वाले का है देख रेख, ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये तो ऊपर वाले का ही सहारा है इनके लिए। अब हम लोग यही सोचते हैं, अब इनकी ख्वाहिश है कि भाई हम मुकेश अंबानी अंकल से मिलेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे या जो भी, तो देखिए आप लोग के जरिए से या आप लोग के इससे शायद वहाँ तक पहुँच जाए बात। यह प्रयास हम लोगों का रहेगा कि सबा और फराह को जो है हम लोग जरूर उनसे मिलवाएं। तो यही बोलेंगे कि हमारे देश की बेटी है, हमारी बिहार की बेटी है, इसमें जितने सारे जो भी लोग देखते हैं या जो भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि इसको कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन देखिए आप लोग थोड़े को बिल्कुल हम लोग अथक प्रयास है। बिहार में बहुत सारे एक्टर भी हैं, तो वहाँ तक बात चल जाएगी, या फिर कोई भी ऐसे है हमारे इंडिया में, तो ये सब मामला जरूरी होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री है। अच्छा, हम लोग इनको जो है मुकेश अंबानी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अब वीडियो के अंत में अपने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी से क्या कहेंगे, जो डॉक्टरों ने लापरवाही किया, 2 सालों से इन लोगों का देखरेख नहीं किया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन हमारे को गवर्नमेंट से कोई ये नहीं है, गवर्नमेंट का जो उनका जो वर्क था उन्होंने कर रखा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट से हमें। डॉक्टरों के लिए डॉक्टरों का मामला था ये था कि उनको जाँच जैसे ब्लड करना था, क्या करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट करना था, किडनी का करना था जिनका एक किडनी है, क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड करना था, जिस चीज़ का जो मतलब हर चीज़ का जांच करके 3 महीने पर सबमिट करना था, जो कि डॉक्टर हमको लगता है कि जांच इनका हमको प्रॉपर वे में होने हमको लगता है दो साल तो हो गया होगा। 2 साल हो गया जी जाँच किए हुए। अब स्वास्थ्य मंत्री माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, तो उनसे तो बहुत उम्मीद है पूरे बिहार को। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारी भी उम्मीद उनसे वैसे ही है कि मतलब मेरे बहन का तो जरूर वो कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल, इस बिगड़ी व्यवस्था को जरूर सुधारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए कोई ये नहीं है। बाकी आप इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से ये पूरा है, और वीडियो के अंत में मिलना किससे है आपको फराह?
मुकेश अंबानी। किससे मिलना है सबा? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जी से मिलना है, बाकी दूसरे से मिलने की इच्छा नहीं है जी? सबके से मिलना चाहते, सबसे मिलना चाहते हैं, लेकिन पहले मुकेश अंबानी से मिलना चाहते हैं। देखिए ये सबा और फराह है और इनकी ख्वाहिश है कि हम मुकेश अंबानी से मिले। आप लोग हर संभव प्रयास करिए कि वीडियो को शेयर करके उनके टीम के पास तक पहुंचाइए। हम लोग उनको पर्सनली भेजेंगे भी और कोशिश करेंगे कि इन लोगों को जो है मुकेश अंबानी जी से जरूर मिलवा दे, यही ना? चलिए बाकी वीडियो देखकर आपका विचार क्या कहता बताइएगा, हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इन दोनों आदमी का जो सपना है हम पूरे बिहार के लोगों को मिलकर के साकार करना है, क्योंकि हम तो सब कुछ कर पाते लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाते, केवल घर पे ही रहते हैं। चलिए बाकी इनके लिए आप एक अथक प्रयास करिए और हमें सहयोग करिए कि इनको वहां तक जरूर पहुंचा दिया जाए। जय हिंद, जय बिहार।